तो यूएई से रिलेटेड तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा जो अपडेट है कुवैत से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। आपको पता है कि एक दिन पहले एक न्यूज़ आई थी और 40 भारतीयों की जो मौत हो गई थी फायर से जो आग लगने की वजह से। दूसरा जो अपडेट है जो कंपनी के ऊपर जो केस करते हैं वर्कर उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो कुवैत से आ रहा है। आपको पता है कि दो दिन पहले एक्चुअली कल एक घटना घटा दोस्तों और उसमें 40 भारतीयों को मौत हो गई जिसके वजह से फायर जो लेबर कैंप में फायर लग गया था। तो उस घटना के वजह से जबकि मोदी गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है और जल्दी से जल्दी उनका पार्थिव शरीर इंडिया लाया जाएगा और हर चीज़ जो उनको नीड है, जो उनकी फैमिली को ज़रूरत है, वो भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि मैं उसको सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारे अभी जितने भी गल्फ़ के कंट्री है, ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, दुबई, सारे लेबर कैंप में अभी फ़िलहाल कल से बहुत सारे लेबर कैंप में चेकिंग स्टार्ट है। जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो जाकर देख रहे हैं क्योंकि फायर का घटना बहुत ज़्यादा घटा है। ये घटना पूरे वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया है क्योंकि लगभग 50 लोगों को मृत्यु हुई थी जिसमें 40 भारतीय थे। तो आपके लेबर कैंप वगैरह में अभी चेकिंग चल रही है कि नहीं फायर का, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, मान ली किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या किसी भी रिलेटेड आपने अगर कोर्ट में केस किया है या फिर आपने दुबई पुलिस के पास केस किया है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं जा पाते हैं, यानी अपने कंट्री वापस नहीं जा पाते हैं छुट्टी के लिए, या फिर आपका कंपनी अगर वीज़ा कैंसिल कर दिया है तो फिर आप वहाँ पे रह नहीं पाते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन आता है। तो मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी कंपनी के ऊपर बेसिकली अगर केस किया है सैलरी से रिलेटेड या कोई भी और भी बड़ा इशू से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जगह पे दूसरे बंदे को, मतलब आप वहाँ पे अदालत में या फिर कोर्ट में आप बता सकते हो कि ये जो बंदा है मेरे जगह पे, जो ये बोलेगा वही सत्य है, मतलब उसके हिसाब से सारा केस का डिसीजन होगा। आप अपने बदले में उस बंदे को रख के जा सकते हो जिस पे आपके भरोसा है। तो आपको पहले जैसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जब तक नहीं केस फाइनल होगा तभी मैं बाहर जा सकता है, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ने कुछ खुशखबरी दी है वर्करों के लिए, आपको मतलब आप अपने बदले में दूसरे को रख कर जा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, वो छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। आखिर बार बार जो मोहरे ने अपडेट जारी क्यों करती है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी, जबकि गवर्नमेंट पेड लीव का ऐलान किया है, ये जो छुट्टी का ऐलान करती है पेड लीव, यानी इसका पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वर्करों को पैसा कटिंग कर देती है, यानी ड्यूटी तो छुट्टी देती है लेकिन वो या तो काम कराती है और नहीं तो दोस्तों वो क्या आपको छुट्टी देने के बाद भी वो पैसे कटिंग कर लेती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है, तो गवर्नमेंट एक नया अपडेट जारी करके बताया क्योंकि आपको पता है कि 4 दिन का छुट्टी का ऐलान किया गया है, यानी 15 से 18 तारीख तक यूएई के अंदर बकरीद का यानी ईद उल अजहा का छुट्टी रहेगा। तो अगर जो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो मोहरे ने खुला ये अपडेट जारी करके बताया है कि आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 800084 पर और आप बता सकते हो कि हमारी कंपनी यानी काम करा के भी ओवर टाइम का पैसे नहीं दी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया कि कोई भी काम अगर अर्जेंट है, प्रोजेक्ट अर्जेंट है, तो वर्कर से काम करा सकता है लेकिन उसके बदले में उसे 1.5 हॉलीडे के हिसाब से ओवर टाइम देना चाहिए। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।